कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस सेवेंथ वीडियो और कंप्लीटनेस का सेकंड वीडियो। इस प्लेलिस्ट में पहले तो आप कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस इन मैट्रिक स्पेस, उसके बाद कॉसी सीक्वेंसेस इन मैट्रिक स्पेस और फिर उसके बाद कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, इस क्रम में आप पढ़ रहे हैं। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का ये दूसरा एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल हमने दिया था कि द यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर डी इज कंप्लीट। सेकंड एग्जाम्पल है द मैट्रिक स्पेस सी डी, वेयर सी इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द मैट्रिक स्पेस सी डी इज कंप्लीट वेयर इन सी डी इज डिफाइंड एज डी एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू सी। ध्यान रहे एक्स वाई बिलोंगिंग टू सी, एक्स और वाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। डी जेड वन जेड टू इक्वल टू मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू फॉर ऑल जेड वन जेड टू बिलोंगिंग टू सी लिखा रहता तो थोड़ा ज़्यादा ठीक लगता, लेकिन अब ऐसे ही पेपर में था वहाँ से हमने इस एग्जाम्पल को लिया है किसी यूनिवर्सिटी के पेपर से। प्रूफ देखिए, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन एक बार दिमाग में आप दोहरा लीजिए। अ मैट्रिक स्पेस इज सेट टू बी कंप्लीट इफ एवरी कॉसी सीक्वेंस इन इट कन्वर्जेस टू सम पॉइंट ऑफ इट। शुरू करें, लेट सीक्वेंस जेड एन बी एनी कॉसी सीक्वेंस, बी एनी कॉसी सीक्वेंस इन कैपिटल सी। कॉसी सीक्वेंस, इसलिए कॉसी सीक्वेंस वाला डेफिनेशन लिखिए। देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट्स एम बिलोंगिंग टू कैपिटल एन सच दैट डी ऑफ जेड एन कामा जेड पी विच इज मॉड ऑफ जेड एन माइनस जेड पी इज लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन। एप्सिलॉन चूंकि आर्बिट्रेरी है इसलिए हमने यहां पर रूट एप्सिलॉन लिख दिया। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, फॉर ऑल पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। तो इसको संक्षेप में हम ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल एन कामा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, दैट इज मॉड। अब जेड एन को हम एक्स प्लस आई वाई के रूप में ऐसे लिख लें, एक्स एन प्लस आई वाई एन माइनस जेड पी को हम लिख लें एक्स पी प्लस आई वाई पी। ऐसा होल स्क्वायर भी कर दे रहे हैं इधर, ताकि इधर हो जाए एप्सिलॉन फॉर ऑल एन कामा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। बस इसी को आगे बढ़ाइए। implies that mod xn minus xp plus iota times yn minus yp whole square less than epsilon for all n comma p greater than or equal to m implies that u plus iv ka modulus or uska square, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एक्स एन माइनस एक्स पी होल स्क्वायर प्लस वाई एन माइनस वाई पी होल स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन कामा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम इम्प्लाइज दैट मॉड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों रियल नंबर होता है ना, तो ये किसी रियल नंबर का स्क्वायर है, रियल नंबर का स्क्वायर उस रियल नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। मॉड एक्स एन माइनस एक्स पी होल स्क्वायर प्लस मॉड वाई एन माइनस वाई पी होल स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन एप्सिलॉन दोनों उच्चारण करते हैं लोग एन कामा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। लॉजिक लिख दीजिए, सिंस
मॉड अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू कैपिटल आर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थात इस भाव को हम ऐसा लिखते हुए व्यक्त कर सकते हैं, मॉड एक्स एन माइनस एक्स पी होल स्क्वायर प्लस मॉड वाई एन माइनस वाई पी होल स्क्वायर टेंस टू जीरो एज एन कामा पी बोथ टेंड टू इन्फिनिटी। देखो यह है सम ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स, सम ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स जीरो को टेंड कदापि नहीं करेगा। यह तभी ऐसा संभव है जब दोनों बेस जीरो। इट इज पॉसिबल ओनली वेन each base is zero, each base tends to zero. Thus we have mod xn minus xp tends to zero, mod yn minus yp tends to zero as n comma p both tend to infinity. This tends to zero as np tends to infinity से निष्कर्ष निकला कि sequence xn Cauchy sequence है। उसी प्रकार से this tends to zero as n comma p tends to infinity से निष्कर्ष निकला कि sequence yn Cauchy sequence है। These imply that sequences xn and yn are Cauchy sequences. आर Cauchy sequences. चूंकि ये एक्स एन एक्स पी वाई एन वाई पी ये सब रियल नंबर्स हैं तो हम कह सकते हैं कि दीज आर Cauchy sequences इन आर। इन आर लिखने का मतलब sequences का हर टर्म रियल नंबर है। अब हम जानते हैं कि आर कंप्लीट होता है, पिछले वीडियो में एग्जाम्पल वन में आप यही पढ़े थे। तो अगर R कंप्लीट होता है तो R में जो Cauchy सीक्वेंस है वो R के किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। वी नो दैट R इज कंप्लीट, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट x कामा वाई इन आर। हाँ, मान लिया हमने एक्स और वाई से, यहां पे चाहो तो लिख दो से, ऐसे इन आर सच दैट सिक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, सिक्वेंस वाई एन कन्वर्जेस टू वाई, विच इंप्लाई दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एक्स, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन इक्वल टू वाई। These imply that limit n tends to infinity x n plus I y n equal to x plus I y x or y real number है ध्यान रखना implies that limit n tends to infinity इसी को तो zn लिखे थे आप, zn equal to इसको आप z लिख दो और बता दो कि हम z किसको लिखे हैं, z equal to x प्लस आई वाई और ये कैपिटल सी का एक पॉइंट है। दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस जेड एन कन्वर्जेस टू जेड, जेड बिलोंग्स टू कैपिटल सी। शुरू आपने किया था लेट सीक्वेंस जेड एन बी एनी Cauchy सीक्वेंस इन कैपिटल सी और वो कन्वर्ज कर गया सी के पॉइंट पे। तो एनी लेके शुरू किए थे तो एवरी से समापन करिए। दस every Cauchy sequence in capital C converges to some point of C and hence by definition C is complete। यही प्रूव करना था बच्चों। अब आइए एक एग्जाम्पल और देखें।
एग्जाम्पल थ्री, लेट कैपिटल एक्स इज कैपिटल सी ए बी, वेयर सी बड़ा ब्रैकेट ए कामा बी, ये नोटेशन है किसके लिए वही मैं लिखने जा रहा हूं, वेयर सी ए बी इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यह और ये आपको जानना चाहिए, आपने पढ़ा होगा कि सी ए बी कामा डी इज मेट्रिक स्पेस। वेयर डी एफ जी इज डिफाइंड बाई, वो मैं लिख दे रहा हूं, सेमी कॉलन। हाँ, ये बात चल रहा था, बीच में इसको क्लेरिफाई करने लगे। एंड इतने में नहीं आएगा, यहां लिखना पड़ेगा डी डी ऑफ, दो एलिमेंट चाहिए सी ए बी की, सी ए बी सेट है फंक्शंस का ना, तो जब भी कंटिन्यूअस फंक्शंस, जब भी इसके एलिमेंट लेने हो तो फंक्शन के रूप में लीजिए, जैसे हमने एफ और जी ले लिया। एंड दिस इज डिफाइंड बाय सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई सच दैट एक्स कामा वाई बिलोंग टू, सॉरी ये गलती हो गई हमसे, एफ और जी है ना, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, x belongs to this interval, तो ऐसे लिखे चाहे इसको ऐसे लिख दे, a less than or equal to x less than or equal to b, it means x belongs to closed interval ab, b associated metric, वाक्य चल रहा है पूरा, b associated metric किसके साथ, ये associated है इसके साथ x के साथ, माने कि let x equal to this एंड डी एफ जी इक्वल टू दिस बी एसोसिएटेड मेट्रिक, तो मेट्रिक स्पेस तैयार हो जाएगा ना, मेट्रिक स्पेस तैयार हो गया, कौन एक्स कामा डी, टू शो दैट द मेट्रिक स्पेस एक्स डी इज कंप्लीट, इज कंप्लीट, यही है इसका सोल्यूशन। लेट सीक्वेंस एफ एन बी एनी कोशी सीक्वेंस इन कैपिटल एक्स, वेयर कैपिटल एक्स इज सी ए बी, कॉसी सीक्वेंस है इसलिए कॉसी सीक्वेंस के डेफिनेशन को ये ओबे करेगा, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट्स एम बिलोंगिंग टू कैपिटल एन सच दैट डी ऑफ एक्स एन एक्स पी, नीचे लिखेंगे डी ऑफ एक्स एन एक्स पी विच इज सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी is less than epsilon for all n comma p greater than or equal to m, ये हमने डेफिनेशन लिखा।
ये है ना डी एक्स एन एक्स पी लेस देन दिस, और फिर अगले स्टेप में समझो कि इसकी वैल्यू लिख दी गई, तो एक ही स्टेप में लिख दिया हमने, लिखने की स्टाइल है ये। अब विचार करिए किसी सेट का सुप्रीमम ही एप्सिलॉन से छोटा है तो उस सेट के सारे एलिमेंट एप्सिलॉन से छोटे होंगे, अगर आपको सुप्रीमम का कंसेप्ट क्लियर है तो। इम्प्लाइज दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन कामा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये हिस्सा लिखेंगे तभी तो ये भाव इसमें आएगा कि इस सेट का हर एलिमेंट, क्योंकि इस सेट के एलिमेंट बनने में योगदान किसका, एक्स का, ए और बी के बीच में एक्स की वैल्यूज हम लेंगे, तरह तरह की वैल्यूज लेंगे, तरह तरह का ये डिफरेंस बनेगा, नॉन नेगेटिव डिफरेंस। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई है, यहीं से गड़बड़ी हो गई ना, हम ब्लंडर हो गया सॉरी। सीक्वेंस के टर्म्स फंक्शन हैं, ये यहाँ पे एलिमेंट जैसा आ गया ना, जैसे कुछ गड़बड़ी करोगे दो तीन लाइन के बाद आपको खुद ही अनइजीनेस फील होने लगेगा कि अरे रे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ, तो सच दैट डी ऑफ एफ एन कामा एफ पी विच इज सुप्रीमम करली ब्रेकेट मॉड एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ पी ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, या लिख दीजिए ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन कामा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। अब वही बात, किसी सेट का सुप्रीमम ही एप्सिलॉन से छोटा है तो उस सेट का हर एलिमेंट एप्सिलॉन से छोटा होगा। इम्प्लाइज दैट मॉड एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ पी ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, ये पुरानी शर्तें तो रहेंगी रहेंगी, फॉर ऑल एन कामा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम एंड सभी एलिमेंट एप्सिलॉन से छोटे हैं, ये भाव इसमें डालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट इस सेट के आएंगे ऐसा। देखो ये जो फंक्शन है इसमें जो फंक्शन है वो सब रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन होने का मतलब डोमेन के किसी भी एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स रियल नंबर होगा, ये रियल वैल्यूड होगा। तो ये जो है रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो इसको देखने से ये लगता है, यहां तक को देखने से ये लगता है कि सीक्वेंस एफ एन ऑफ एक्स, सीक्वेंस एफ एन ऑफ एक्स इज ए कॉसी सीक्वेंस इन आर। Implies that sequence fn of x is a Cauchy sequence in capital R, और ये condition ऐसे ही चलेगा for all x belonging to closed interval ab। अब कहिए कि हम जानते हैं R complete होता है, इसलिए R में Cauchy sequence R के point को converge करेगा, और ये शर्त जो है ना ये हर स्टेप में ढोते रहिएगा तब तक जब तक किसका कोई उपयोग ना हो जाए। वी नो दैट R is complete, therefore R में कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, और वो पॉइंट भी हम कैसा एग्जिस्ट कर रहे हैं, फंक्शनल जैसे f ऑफ x टाइप से, therefore there exists f ऑफ x belonging to R such that
सीक्वेंस एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। ऐसा अब यहाँ पे फंक्शनल हमको नंबर लेना पड़ा ना, जैसे इमेज टाइप का, क्योंकि हमें एक्स से कनेक्ट करके ही जो लिखना है सो लिखना है। दिस इंप्लाइज दैट मॉड एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया ना, इसलिए कि देखो फॉर एवरी एप्सिलॉन एप्सिलॉन हमारे पास संदर्भ में चला ही आ रहा है, एम हमारे पास चला ही आ रहा है, तो वही सब लिख दिए। यहां से यहां तक पूरा डेफिनेशन देख करके ये लग रहा है कि सीक्वेंस एफ एन ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इंप्लाइज दैट सीक्वेंस एफ एन ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इज यूनिफॉर्मली इसी के कारण यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू एंड कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का डेफिनेशन अगर नहीं याद है तो फिर पढ़ लीजिए, देख लीजिए, यही है जो लिखा है यही होता है। कॉमा एफ ऑफ एक्स के बारे में फिर से एक बार बातचीत कर लेना, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो अब एक थ्योरम हम लोग पढ़े हैं कि यदि कोई सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, उसका हर टर्म कंटिन्यूअस हो, उसका हर टर्म कंटिन्यूअस हो, और यह सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स हो, तो एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होता है। तो यह सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स है और इसका हर टर्म कंटिन्यूअस है। एफ एन ऑफ एक्स, एफ एन ऑफ एक्स कहां से लिए थे आप? सी ए बी से। तो सी ए बी के सारे टर्म क्या हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो यही सब मैं अब लिखने जा रहा हूं। सिंस ईच टर्म ऑफ सीक्वेंस एफ एन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ईच टर्म, न लिख के हम ईच फंक्शन लिख दे रहे हैं, ईच फंक्शन ऑफ दिस सीक्वेंस है ना, इसको ऐसे कर ले रहे हैं, इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। देयरफोर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस जिसको कन्वर्ज कर रहा है वो भी कंटिन्यूअस होगा। देयरफोर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और इसलिए एफ ऑफ एक्स एलिमेंट होगा किसका? सी ए बी का। सी ए बी माने एक्स का। हो गई सारी बात खत्म। शुरुआत आप किए थे लेट सीक्वेंस एफ एन बी एनी कॉसी सीक्वेंस इन एक्स, फिर आपने दिखा दिया कि ये जो सीक्वेंस है ये एक्स के ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। तो आइए इसके लिए आप देख लो, मैं आपको रेफर कर दे रहा हूं सी वीडियो नंबर 10, वीडियो नंबर 10 ऑफ द प्लेलिस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक,
उस वीडियो को देख लीजिए, तो ये जो चीज लिखी गई है इसी का प्रूफ वहां पे आपको मिल जाएगा। हो गई बात, बस लपेटिए। 10 एवरी कॉसी सीक्वेंस इन कैपिटल एक्स कन्वर्जेस टू सम पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स एंड हेंस द मैट्रिक स्पेस एक्स इज कंप्लीट। ये था कंप्लीटनेस के दो एग्जाम्पल, हमने बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपको पढ़ाए हैं, आपके समझ में पक्का आया होगा। अगर समझ में थोड़ी भी दिक्कत हो रही हो तो आप वीडियो को दो बार देखिए, कुछ है नहीं इसमें, आसान सा है। यहीं पे थोड़े से झंझट आपको होगी, थोड़ा सा आप अनईजी फील करोगे, तो उसके लिए पहले ये वीडियो देख लो, आप पूरा इसको देखने के बाद फिर ये वीडियो देख लो, फिर इसको देख लो, बस क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन तो आप प्रेस किए ही होंगे, सब जानते ही हैं। थैंक यू।